हर की पौड़ी पे मिले थे, वहाँ हमारी बात हुई, 15 दिन बाद शादी कर ली थी हमने केदारनाथ जाके। आप दोनों क्या लगते हो एक दूसरे? हस्बैंड वाइफ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम अब फिलहाल में जो है कावड़ियों का रिव्यू ले रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा हम मुजफ्फरनगर के बागोवाली चौक पे है, जहाँ पे NH-18 दिल्ली हरिद्वार जो हाईवे है उस पे है। हमें फ़िलहाल कुछ भोले मिले हैं, 5 भोले हैं साथ में, और इनमें 2 जो है दंपति है, 1 पति है और उनकी वाइफ है। इनसे हम इंटरव्यू लेंगे। ये काफ़ी दूर से पैदल आ रहे हैं, वहाँ से ही हरिद्वार से ही, तो इनसे कुछ बात करेंगे। तो भोले, क्या नाम है आपका? अंकित सक्सेना भोले। आपका क्या नाम है? माई सक्सेना। आप दोनों क्या लगते हो एक दूसरे? हस्बैंड वाइफ हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? हाँ जी, हस्बैंड वाइफ हैं। ये भाई क्या लगते हैं? ये भाई हैं मेरे सारे तीनों। तो आपके क्या लगते हैं? मेरे देवर लगते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हो ऐसे आप? हम यूपी से। कौन से जिले से? यूपी चौदह लोनी जिला गाजियाबाद। तो भोले कितना जल ले रहे हो आप लोग? 61 है। मेरे छोटे वाले भाई का 62 है, उससे इस वाले भाई का 62 है, अजय बोड़े का हमारा 42 लीटर है और ये मन्नी बोड़े का 11 लीटर है। तो भोले अपना भी नाम बताओ तुम। मेरा नाम विशाल है। आपका नाम? मनीष। मेरा नाम अजय। अच्छा, तो भाई सारे एक साथ ही आओ तुम? हाँ जी, सारे गहलाए हम। अच्छा, तो कुछ मान्यता थी, मतलब दिल में कोई इच्छा थी भोले के लिए? हाँ, भोले के लिए तो बचपन से बताना चाहोगे और बोलो को? और बोलो को यही कहना चाहेंगे, सारे एक ऋतिक होके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सीधा सा मोटिव ये है हमारा, तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। मन से इच्छा है तुम्हारी? मन से, दिल से, हर तरीके से इच्छा है हिंदू राष्ट्र बनाना है अब तो। अच्छा, तो जो अब सरकार ने भी नेम प्लेट वाला किस्सा सुनाया था वो वापस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर क्या कहना चाहोगे? जी हमें तो पता ही नहीं नेम प्लेट वाला कौन सा किस्सा बनाया था। कोई भी दुकानों के सामने जो भी रहेगा, जो भी दुकान लगाएगा उनका नाम लिख रहा चाहिए। अच्छा, वो जो पीछे जो हमने वो बताया था, हाँ वो अच्छा है वैसे, पहचान के लिए सही था ब्रो। क्योंकि पीछे अभी 2 साल पीछे की अगर बात करी जाए तो काफियों के साथ कावड़ खंडित कर दिए, मुजफ्फरनगर की बात करी जाए, लोग वहाँ अंदर से मतलब वो नॉन वेज वगैरह फेंक देते थे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी करी है। कई लोग तो थूक भी देते थे, पानी फेंक देते थे, बाथरूम फेंक देते थैलियों में। जर्रा पड़ा मुजफ्फरनगर में। हाँ, सही बात है, हर जगह आदमी पड़ा है। इससे पहले कितनी बार लाए हो आप लोग? ये 18वीं कावड़ है बोले भाई। और मेरी चौथी कावड़ है। 14वीं है मेरी, 18वीं। शादी के बाद कौन सी कावड़ है? शादी के फर्स्ट कावड़ है, दूसरी फर्स्ट है। हाँ, फर्स्ट कह लो, सेकंड कह लो, मास्टर। तो ओ बहू के काय को, वो तो जब मिले थे जब किए, ये तो हमारी पहली है, फिर ब्याह के हिसाब से देखी जाए तो। वैसे लग नहीं रहा जल्दी शादी कर ली तुमने? लव मैरिज करी थी बोड़ा। अच्छा, कितने दिन हो गए शादी में? शादी को 1 साल हो गया। 10 महीने अक्टूबर से, अक्टूबर। अरे ब्याह तो हुआ भाई, ये तो तुम मिले थे जब हरिद्वार में, तो मिले हुए 1 साल हो गए, ब्याह 10 महीने हुए हैं। कुछ बताओगे अपनी लव स्टोरी के बारे में, कैसे कैसे हुआ? हर की पौड़ी पे मिले थे, वहाँ हमारी बात हुई, 15 दिन बाद शादी कर ली थी हमने केदारनाथ जाके। घर वाले सब एग्री थे बट फिर भी कर ली, फिर वो लव अरेंज में करवा ली थी घर वालों ने। अच्छा, लड़की वाले कुछ दिक्कत नहीं? नहीं, मेरे सास ससुर, मतलब मेरे सास ससुर तो आए नहीं, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। मेरी ददिया सास, फुफुआ सास, सारी आगे चल रही है मुझसे, सब कावड़ लेना, सब कावड़ लेना आए, विद फैमिली आए हुए हैं। अच्छा, नहीं वो आ गए हैं, उन पे पिट्टू, हम पे वेट ज्यादा, तो हम पीछे आए जब वहाँ पे कुछ समस्या हुई। नहीं भोड़े, समस्या तो कुछ नहीं हुई, बस वही है कि पैरों के हाल बेहाल हैं और तो समस्या कुछ भी नहीं है। आप नंगे पैर ही आ रहे हो? तो दिखा सकते हो अपने पैर कैसे हो रहे हैं? बहुत बढ़िया हो रहे हैं। नीचे से दिखाओ, ऊपर उठा के दिखाओ। चलो फिलहाल तो भीड़ सही है, लेकिन इतना लंबा सफर है, कहाँ पे चढ़ाओगे? चलो दिल्ली। दिल्ली में किस जगह? रजौरी गार्डन। अच्छा, सब की सब एक जगह ही चढ़ाओगे? नहीं नहीं, ये मंडोली चढ़ाएंगे। अच्छा, ये मंडोली चढ़ाएंगे शिव मंदिर। तो क्या लग रहा है अब कि कैसा होना चाहिए, मौसम का कोई प्रभाव पड़ रहा है? मौसम तो ऐसा ही रहना चाहिए, वेल एंड गुड वाला मौसम हो रहा है इस टाइम। बढ़िया दिल लग रहा है इसमें। हाँ, नहीं तो इस टाइम तक तो सो जाते थे हम, कहाँ चलते, हम तो रात को चलते थे, आज मौसम अच्छा था, दिन में चल रहे हैं। जैसे बता रहे उत्तराखंड में जब हर की पौड़ी पर जब जल भर रहे हैं वहाँ पर बहुत समस्या हो रही, कुछ भोले जो है अपने मतलब जितना उठा भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा जल भर लेते हैं। इस बार सबसे ज्यादा ये अजय भाई बताएंगे। मैं जी किसी ने होड़ ना करी जल के, कोई ज्यादा वेट ले आ रहा, कोई हल्का ले आ रहा, जितना हमारा बस किया हमने उतना उठाया, जितना बाबा ने उठाया, जितना ऊपर वाले महादेव ने हमसे उनकी इच्छा थी उतना ही उठाया, उससे ऊपर एक बूंद नहीं जल भरा हमने।
तो जैसे सोशल मीडिया पे लोग बाग चल रहे अपनी, मतलब अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे, तो 200 लीटर लेके चल रहे और फिर बीच में छोड़ देते हैं, उसे क्या असर लगता है? वो बहुत बड़ी गलत चीज है, सही नहीं है ना? नहीं, वो सही नहीं है। जितना आप, मतलब बोले बाबा यूं नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट करके मुझे खुश करो, वो कहते तुम जल इतना ले जाओ तब भी मेरे पे चढ़ाओगे, इतना चढ़ाओ ले जाओगे जब भी मुझ पे चढ़ाओगे। तो जितनी श्रद्धा होनी चाहिए उतना ही उठाएं, ओवर वेट ना उठाएं, सारे भोलों से यही रिक्वेस्ट है। तो क्या कहना चाहोगे भोलों को? मैं भी यही कहना चाहूंगी भोलों के लिए आगे, मतलब आप लोग तो लेके आगे चल, पीछे कहीं बताना हो भोलों को कि भाई आगे पीछे कैसे सतर्क रहना या क्या किस नहीं, सतर्क रहना को सेफ्टी फुल है, प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, सब कुछ एकदम वेल एंड गुड है पीछे। तो एक बार भाई हमारे पिछले भोलों को भी दिखा दो सब पे, को एक बार नजर दिखा दो पर वो करके, सब भोले पूरे जोर से लगा के आए हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई, तो आप देख सकते हैं हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी आप लोगों, यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो हम आप लोगों को और भी दिखाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो।